हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके जा रहे हैं रेणुका जी। अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए रेणुका जी बहुत फेमस है। हिमाचल के सिरमौर जिले में स्थित रेणुका जी चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। घाटी में बसा हुआ रेणुका जी बहुत ही खूबसूरत है। हम विकास नगर से पोटा साहब और पोटा साहब से रेणुका जी जा रहे हैं। रेणुका जी जितना खूबसूरत है, रेणुका जी जाने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है। परशुराम जी की माता के नाम पर ही इस स्थान का नाम रेणुका जी पड़ा। कहते हैं परशुराम जी की जन्म स्थली यही स्थान है। यहाँ पर परशुराम जी की माता ने जल समाधि ली थी। जिस झील में उन्होंने जल समाधि ली थी, उस झील का नाम भी रेणुका झील है। आप रेणुका झील में पैडल बोर्ड और मोटर बोर्ड दोनों का आनंद ले सकते हैं। सुबह का मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम बहुत सुहावना है। झील के चारों तरफ बैठकर खाने पीने का मजा ही कुछ और है। रेणुका झील के एक तरफ खाने पीने की पूरी दुकानें हैं, जिनसे आप अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। फोन था कान मुन्नी भाई फोन जेब में था ना। आ जा रन्या, आ जा। अरे जैसे भाई गया, जा चप्पल उतार के देख दादी की बनाएंगे। आ जाओ। अरे नहीं, फ्रेंड्स आज मेरी बेटी का बर्थडे है
और हम कोई अच्छी सी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहां बैठकर हम अपना केक काट सकें। इत्तेफाक से हमें इस कॉलेज के बच्चों का ग्रुप मिल गया जिनके साथ हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। दोनों आ जाओ। हमारा YouTube चैनल है, हम उस पर डालेंगे। क्यों इसे नहीं करवानी, वो रहने दो। Happy birthday, my dear child. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Acha. फ्रेंड्स, हमने झील के दो राउंड लगाए। पहला राउंड हमने झील का पैदल लगाया और दूसरा राउंड हमने साइकिल से लगाया। साइकिल का किराया 100 रुपीज है। हमारे लिए दोनों ही अनुभव बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है अगर हम पैदल झील का चक्कर लगाते हैं तो उसमें हमें ज्यादा अच्छा अनुभव होता है। फ्रेंड्स, रेणुका झील में मछली जमाने का भी बहुत महत्व है। देखो मुंह खोलने वाली आई है, मुंह खोल के मांगती है। इसके मुंह के आगे डाल लो, ये ना मुंह खोल रही है। ये यहाँ को आके लेके जाओ। किसी आ रही, ये खा रही है। नहीं हाथ पकड़ा नहीं खाएंगी कि हमें कैच न कर ले। ये लग रहा तुमने जाल बिछा रखा है। सही है, वहाँ की परछाई जाए। डिनर में खाना चाहो तुम आज बाकी लेके। फ्रेंड्स, आपको मछलियों को जिमाने का सामान झील के आसपास ही मिल जाएगा। झील के आसपास बहुत दुकानें हैं जहाँ पर आपको आटे की गोलियाँ मिल जाती हैं। मोटू, ए मोटू इधर आ। ये भी दे दो इधर आटा। वो देख कितनी मोटी मछली। मोटू। ए मोटू मोटू। फ्रेंड्स, अगर आप भी रेणुका जी में रुकना चाहते हैं तो रेणुका जी में रुकने के लिए बहुत होटल, धर्मशालाएं और आश्रम हैं जिसमें आप अपनी सुविधा अनुसार रूम बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तो रेणुका जी में रुकने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी कभी रेणुका जी गए हैं, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फ्रेंड्स, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वाओ इंडिया वाओ।